एनसीईआरटी साइंस की क्लास 8 तक कंप्लीट कर ली है, आज हम क्लास 9 शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में क्या है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फ्रेंड्स, हमारे चारों ओर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें अनेक प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं, है ना। और इस पूरे संसार में हर वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है, ठीक है। मतलब कोई भी सामग्री जिस चीज़ से बनी उसे क्या कहेंगे, उसे पदार्थ कहेंगे। वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ का नाम दिया है। ओके, तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल हैं, तारे हैं, पौधे और पशु हैं, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मैंने अभी जो बात वस्तुओं का नाम आपको बताया है ना, उनमें क्या होता है, तो उनमें द्रव्यमान होता है ना। और ये कुछ स्थान घेरती है, मतलब स्थान घेरती है मतलब आयतन, है ना। मतलब प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान होगा और वो उनका आयतन भी होगा, मतलब वो स्थान भी घेरेगी, ठीक है। और प्राचीन काल में, मतलब पहले मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हैं, है ना, उन्होंने पदार्थ को 5 मूलभूत तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया, ठीक है। मतलब पहले लोग इन पदार्थों के बारे में नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको समझने की कोशिश की, है ना, कि कोई भी पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो फिर इसी तरह से जो प्राचीन काल में जो दार्शनिक हुए, उन्होंने पदार्थों को 5 मूलभूत तत्वों में बांटा, जिसमें मतलब जिसे क्या कहा जाता है, पंच तत्व कहा गया, ठीक है। और ये पंच तत्व क्या हैं, तो आप सभी जानते हो पंच तत्व के बारे में, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, है ना। ये क्या है, ये पंच तत्व है, और उसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या है, बनी हुई हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के जो यूनानी दार्शनिक हैं, उन्होंने भी सभी पदार्थों को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई प्राचीन काल के वैज्ञानिकों की बात, है ना। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को उनके भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है ना। और इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, तो पदार्थों के भौतिक गुणों के आधार पर उनके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और पदार्थों के रासायनिक गुण जो हैं, या उनके जो रासायनिक पहलू हैं, उनको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 1.1 है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। मतलब भौतिक स्वरूप मतलब बाहर से वो दिखने में कैसे हैं, किस प्रकार से उनका संगठन है, किस प्रकार की चीज़ों से वो मिलकर बने होते हैं, है ना। तो इन्हीं सब को उसका भौतिक स्वरूप कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1.1 का 1, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा में यह कहा गया, मतलब ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होती है, मतलब समतल होती है ना। पर एक दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप एक मुट्ठी रेत लेंगे, वो तो उस मुट्ठी भर रेत में आपको रेत के छोटे छोटे बहुत सारे कण मिलेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पदार्थ की जो प्रकृति है, है ना, पदार्थ के जो मैंने यहाँ पे 1.1 में बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसको हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है,
ठीक है, ये सतत है या कणों से बने हुए हैं। मतलब जैसे लकड़ी एक समतल सतत होती है, लकड़ी को सतत बोल सकते हैं, पर हमने क्या बोला, रेत के कणों के समान। तो चलिए आगे हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं कि पदार्थ किस प्रकार से कणों से मिलकर बने हुए हैं या सतत हैं। तो फ्रेंड्स हम इस प्रैक्टिकल में क्या लेंगे, तो 100 ml की बीकर लेंगे और उसमें हम जल को, मतलब इस बीकर में आधा जल से भर देंगे, है ना, और उसकी एक सतह पर निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इस बीकर में नमक या शक्कर को डालेंगे। यहाँ पे मैंने नमक लिखा है, ये आपको, ये जो आप देख रहे हो ये लाख गुना आवर्धित जल के कण हैं, ये जो देख रहे हो ये आवर्धित रूप में आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें हम एक चम्मच नमक मिलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जल के कण हैं और यहाँ पर नीचे जो तली में बैठा हुआ है वो नमक है, ठीक है। अब यहाँ पर तो दोनों अलग अलग हैं, अभी ये इसमें मिल नहीं पाया है, लेकिन आगे अब हम इसको एक कांच की छड़ की सहायता से जो नमक और जल है उसको मिला लेंगे, हिलाएंगे तो वो मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि नमक और जल के कण जो हैं आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है जल के कण हैं और ये बीच बीच में इसके नमक के कण हैं, पर ये हमको ऐसे ही खुली नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं ना, इसको हम देखने के लिए आवर्धक या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, तभी हम जल के सूक्ष्मतम, मतलब छोटे से छोटे कण को देख पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने जो ये प्रैक्टिकल किया उसमें जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो जल के कण हैं उसके बीच बीच में नमक के कण जो हैं वो आकर जो रिक्त स्थान है उसमें समा गए हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रश्न है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है या सतत होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकार हमें करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, ठीक है। और ये जो हमने प्रैक्टिकल किया इसमें चम्मच में जो रखी गई नमक है वो पूरे पानी में घुल गई है ना, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट है, आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक लीटर है ना, और इसको घन मीटर, ये वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक घन मीटर कहते हैं, ठीक है। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है, लीटर है। तो एक लीटर बराबर 1 dm³ और एक लीटर बराबर 1000 ml, एक m बराबर 10³ cm³, ठीक है। तो आपको याद रखने लायक ये है कि आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है, तो लीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट है हमारा 1.1.2, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। फ्रेंड्स हमने ऊपर प्रैक्टिकल के द्वारा जान लिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अब हम एक और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक बीकर लेंगे, उसमें 100 ml जल लेंगे, ठीक है। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को इस जो 100 ml जल है उसमें घोल लेंगे, ठीक है। अब इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल मिला देंगे। ये जो आप देख रहे हो इसमें हमने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब इसमें से हम 10 ml निकाल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और इसमें क्या डालेंगे, 90 ml जल डालेंगे, तो ये फिर से 100 ml हो जाएगा,
ठीक है। फिर इसे जो घोल है उसमें से 10 ml फिर हम निकाल लेंगे और उसमें भी 90 ml जल मिला देंगे। इसी प्रकार से इस घोल को 5 से 8 बार तक हम इसको डाइल्यूट करेंगे, मतलब तनुकृत करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हम लास्ट में देखेंगे कि जल अभी भी रंगीन दिखाई देगा। हम उसको 4 से 5 बार या 5 से 8 बार तक की डाइल्यूट करेंगे, फिर भी जो जल है वो हमको थोड़ा सा कलरफुल दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर डार्क कलर दिख रहा है और यहाँ पर थोड़ा उससे लाइट हो गया, यहाँ पर और लाइट हो गया और यहाँ पर बिल्कुल ही फीका दिखाई देने लग गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है ना। तो फ्रेंड्स आप अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो हम जो प्रैक्टिकल किए उसमें हमने देखा कि जितने बार हमने घोल में और पानी मिलाया तो वो क्या है, घोल क्या है, उसका रंग फिर भी हमको नज़र आ रहा है लास्ट तक, है ना। मतलब वो बिल्कुल पहले की तरह साफ नहीं दिखाई दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये प्रैक्टिकल ये दर्शाता है, मतलब ये बताता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, मतलब 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, है ना, और ये कण छोटे 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 कणों में विभाजित होते रहते हैं। आगे देखते हैं, तो मैंने क्या बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, है ना। मतलब एक क्रिस्टल है उसमें बहुत छोटे छोटे कण होंगे और ये छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम इसमें जो प्रैक्टिकल हमने किया, इधर जो प्रैक्टिकल हमने किया है, तो इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह क्या डाल सकते हैं, इसमें 2 ml डेटॉल से भी हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इसको लगातार हम डाइल्यूट करेंगे। तो कितना भी हम उसको डाइल्यूट कर दें उसमें डेटॉल की सुगंध या उसकी महक हमको मिलती रहेगी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि पदार्थ के ये कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 1.2। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि ये जो पदार्थ के कण हैं उनके गुण कैसे हैं, है ना, उनके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं 1.2 का फर्स्ट। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अच्छा, तो चलिए जानते हैं, है ना, साइंस क्या है, साइंस प्रूफ मांगता है हर चीज़ के लिए। तो हम इसको प्रूफ कैसे दे सकते हैं, तो हम इसका प्रूफ सिर्फ प्रैक्टिकल के द्वारा दे सकते हैं और प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं कि मैं करूं या आप करो या दुनिया का कोई भी आदमी करे, वो प्रैक्टिकल लास्ट में एक ही परिणाम देंगे, है ना। तभी तो हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, है ना। तो चलिए देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हमने प्रैक्टिकल, पहले प्रैक्टिकल देखा और दूसरे प्रैक्टिकल में देखा, तो उसमें हमने क्या किया, नमक, शक्कर या डेटॉल या पोटेशियम पर मैग्नेट के कण जो है समान रूप से पानी में क्या हो गए, घुल गए, वितरित हो गए, है ना। इसी प्रकार अगर जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। मतलब जब हम पानी में नमक, शक्कर या नींबू घोलते हैं तो वो इस प्रकार से मिल जाते हैं कि हम उसको अलग नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल वो हमको दिखाई नहीं देते, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ एक दूसरे के पदार्थों के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें समावेशित हो गए, है ना। तो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो
इससे जो हमने पहले दो प्रैक्टिकल किए उसी से ये प्रूफ हो गया, है ना। उससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलिए आगे देखें 1.2 का 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब फ्रेंड्स इसको भी हम एक दो प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में बुझी हुई अगरबत्ती रखी हुई है, है ना, तो आपको इसकी खुशबू लेने के लिए आपको इसके पास जाना पड़ता है, है? और अगर जब अगरबत्ती को कोई जला देता है तो हमें दूर से ही इसकी सुगंध मिलती रहती है, है ना, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो गतिशील हैं, मतलब जो अगरबत्ती है उसकी खुशबू हमको दूर से मिल गई, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अगरबत्ती के जो सूक्ष्म कण हैं, जब अगरबत्ती को जलाया गया तो वो गति करने लग गए, है ना। और दूसरा प्रैक्टिकल एक और देखते हैं। आप जल से भरे दो गिलास या बीकर ले लीजिए और पहले बीकर के सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें और इसको अपने घर में किसी कोने में रख दीजिए और आप देखेंगे कि जो स्याही हमने डाली है वो तुरंत फैल जाती है पूरे गिलास के पानी में, है ना। और जबकि जो शहद है वो थोड़ी मोटी होती है, है ना, चिपचिपी और मोटी होती है। जैसे हम शहद डालेंगे गिलास के पानी में तो वो थोड़ी देर लगाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद हम देख सकते हैं कि पूरा पानी जो है नीला या लाल रंग का हो जाता है, जबकि शहद डालने पर वो धीरे धीरे उसमें घुलता है। तो स्याही के पूरे गिलास में फैलने पर कम समय लगेगा, जबकि जो शहद है वो पूरे गिलास के पानी में फैलने में अधिक समय लगाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वो गतिशील हैं, है ना, ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। तो एक गिलास में गर्म पानी और दूसरे में ठंडे पानी से भर लेते हैं, ठीक है, और उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देते हैं और एक जगह रख देते हैं, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने देते हैं और गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर हमको क्या दिखाई देता है इसको देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समय बीतने देते हैं, इसे ठोस और द्रव के जो कण हैं उसके बारे में हमको कुछ पता चलता है। तो क्या पता चलता है, तो फ्रेंड्स जो टेम्परेचर है ना, जो गर्म गिलास में जो पानी लिए हैं और दूसरे गिलास में ठंडा पानी लिए हैं, तो हम देखेंगे कि जो गर्म पानी है ना, उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल डाले थे वो बहुत जल्दी से घुल जाता है, जबकि ठंडे पानी में घुलने में थोड़ा समय लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जो ये मैंने जो तीन प्रैक्टिकल बताया आपको, पहला प्रैक्टिकल क्या था कि अगरबत्ती वाला, दूसरा प्रैक्टिकल था क्या था, स्याही वाला और शहद वाला, और तीसरा प्रैक्टिकल है गर्म पानी और ठंडे पानी में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डालना। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो मैंने जो स्याही वाला प्रैक्टिकल बताया उससे ये प्रूफ होता है ना। और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, मतलब जो गर्म पानी है उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट शीघ्रता से घुलता है ना। अतः तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं विसरण क्या होता है। तो हम तीनों प्रैक्टिकल में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, और ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है ना। मतलब
पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये मैंने ऊपर बताया आपको, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। तो क्या है कि ऐसा किस लिए होता है, तो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें दूसरे जो कण हैं वो आकर समाहित हो जाते हैं, इसी के कारण ये होता है। ठीक है, अब विसरण के बारे में जानते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आपको, मतलब दो अलग अलग पदार्थ के कण जो हैं स्वतः ही मिल जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। जैसे कि हम अगरबत्ती को जलाएं तो वो हवा में मिल गई, अगरबत्ती के जो धुएं के रूप में जो उसके कण निकल रहे हैं वो हवा में मिल गई, है ना, विसरित हो गई मतलब। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, चलिए आगे जानते हैं। 1.2 का 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लो एक खेल के मैदान में चार ढंग के समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। पहला समूह में ईद मिशमी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कस कर पकड़ लें, मतलब जो असम साइड के नर्तक होते हैं वो एक दूसरे के कमर को पकड़ लेते हैं, है ना, दोनों हाथों से अगल बगल, और इस तरह से उनकी एक श्रृंखला बनी होती है। ठीक है, और दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे, मतलब पहले समूह में कमर को पकड़े हुए हैं कसकर, दूसरे समूह में सिर्फ हाथ को पकड़कर श्रृंखला बनी हुई है, और तीसरे समूह में केवल उंगली के सिरों को छूकर एक श्रृंखला बना ले। ठीक है, मतलब सिर्फ उंगली के सिरों को पकड़ा हुआ है। और अब जो चौथा समूह है वो क्या करेगा, तो वो जो तीनों मानव श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास करेगा, है ना, उसको समूह में बांटने का प्रयास करेगा। तो फ्रेंड्स, किस समूह को तोड़ना आसान होगा और क्यों होगा, यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किसी समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था, मतलब जो समूह कमर को पकड़े हुए हैं दोनों हाथ से कसकर, उसको तोड़ना कठिन होगा, जबकि जो मानव श्रृंखला बनी हुई है जिसने सिर्फ हाथों को पकड़ा हुआ है उसको थोड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, और जो समूह सिर्फ उंगली को छू कर पकड़ा हुआ है तो उसको तो बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम पदार्थों के बारे में भी, मतलब जिस तरह से जो समूह हमने अभी एग्जांपल देखा है ना, उसी तरह से हम पदार्थों को भी मान सकते हैं, है ना। मान ले कोई पदार्थ जो है मजबूती से कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको तोड़ना कठिन होगा, जबकि जो पदार्थ के कण ढीले जमे हुए हैं, है ना, उनको तोड़ना आसान होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि लोहे की कील या चौक का टुकड़ा या एक रबर बैंड ले, अब इन पर हथौड़ा मारकर या काटकर या खींचकर इसे तोड़ने का प्रयास करें, इन तीनों में से किसके कण सबसे आसानी से टूटेंगे, है ना, और कौन से जो हैं वो अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। जो जल जो नल है, है ना, नल से जो पानी टपकता है निकलता है, तो वो नल को खोलकर उसकी जल की धार है उसको अपनी उंगली से काटने का प्रयास कीजिए, तो क्या जल की धार कटती है, जल की धार ना कटने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, जो ये तीनों क्रियाकलाप मैंने जो समूह वाला बताया, और जो लोहे रबड़ और चौक का एग्जाम्पल दिया, और ये जो नल वाला एग्जाम्पल दिया है ना, तो इन तीनों एग्जाम्पल में पदार्थों के कणों के बीच एक बल काम करता है। ठीक है, यह यहाँ पर लिखा है पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब लोहे की कील है उसको अगर हम हथौड़े से पीटे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, है ना, बहुत मजबूती से पकड़े हुए होंगे उसके कण एक दूसरे को, है ना, जबकि चौक
है, अगर कोई चौक है उसको हम हथौड़े से कूटे तो वो जल्दी से बिखर जाएगा टूट के, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसके बीच की आकर्षण क्षमता जितनी अधिक होगी उस पदार्थ को तोड़ना उतना ही कठिन होगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, जैसे लोहे में अलग, रुई है उसमें अलग, जल है उसमें अलग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो चैप्टर है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसका सिर्फ एक ही भाग पूरा हुआ है, ठीक है। हम क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबे लंबे हैं और आगे के चैप्टर्स भी आपको इसी तरह 2-3 पार्ट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये चैप्टर क्लोज़ करते हैं और आगे कल पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सब क्या है उसके गुण हैं, है ना। तो आपको कमेंट करके बताना है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम गरम गरम खाने की जो खुशबू है उसको कई मीटर से ही सूंघ लेते हैं, हमें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी सुगंध लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है, उसको बिल्कुल करीब से सूंघना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताइए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।